नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई एक घटना में बिलासपुर के एक युवक नवरीत सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसान समुदाय में काफी रोष व्याप्त है। बिलासपुर के इस युवक की मौत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उसके घर पहुंची और परिवार वालों से बात की। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश भी नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल हुई और नवरीत सिंह को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार किसानों पर जबरन कृषि कानून को थोप रही है और किसान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि किसानों को जरूर कामयाबी मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस आंदोलन में कई किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार किसी भी तरह का सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है, मगर कांग्रेस पार्टी का समर्थन देश के अन्नदाताओं के साथ है। और गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों के बलिदान को पूरा देश जानता है, हिंदुस्तान जानता है, तो हम सब आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनके माता पिता, उनके दादा, उनके परिवार के लोगों के प्रति सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं कि उनका बेटा, इकलौता बेटा उस परिवार का, इकलौता बेटा की शहादत हो गई। अगर अब भी समझ में नहीं आएगा, ये शहादत किसानों के लिए है। अब भी अगर समझ में नहीं आया, ये शहादत उन लोगों के लिए है जो देश की रोटी का इंतजाम करते हैं, अन्नदाता कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों की शहादत पर यदि लोग पिघल नहीं रहे, और कानून के चक्कर में बहुत से लोगों की जान ले ली गई है, लोगों ने अपने सुसाइड नोट भी लिखा। अभी मैं बिलासपुर के पड़ोस में जो गांव था, उनकी शहादत पर भी उनके घर गई थी। तो अब भी समझ जाइए, और किसान है, किसान मतलब किसी खास किसान का फायदा नहीं, देश के अन्नदाता है। अगर वो परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, उन्हें MSP के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा, किसान टूट गया, तो देश में आर्थिक हालात बहुत खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।